अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे होंगे कि मैं मार्ट आई हूँ, सुपर मार्ट आई हूँ, अलजदीद मार्ट आई हूँ, अलजदीद सुपर मार्केट आई हूँ। और ये काफ़ी यहाँ रश था और काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे देर हो गई थी, मैंने आपके लिए जो है ना कुछ वीडियो नहीं बनाई यहाँ पे। और मैं चाह रही थी कि मैं किसी तरह वीडियो बनाऊँ, पर रश इतना था कि मुझे ट्राइपॉड संभालने की और ख़ुद को संभालने की टाइम नहीं था। और ट्राइपॉड जो है वो मेरा थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि धक्के वगैरह, इतना रश था रमज़ान मुबारक में। लोग माशाल्लाह से रोज़ा अब तो करीब एक दो दिन बचे हैं और रश इतना है, तो मुझे ट्राइपॉड, मैंने कहा इंशाल्लाह मैं घर जाके आपसे तमाम चीज़ें शेयर करूँगी कि मैंने मार्केट से क्या क्या शॉपिंग करी है और ग्रॉसरी जो मैंने अपनी कम्प्लीट कर ली है, तमाम जो मुझे राशन वगैरह चाहिए था महीने का, जो ज़रूरत का था, वो तमाम चीज़ें मैंने अपनी रेंज में रखी, सब शॉपिंग कर ली है। अलजदीद जो है वो बहुत अच्छा शॉपिंग सेंटर है, बचत सेंटर है, बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको यहाँ का पहले एड्रेस बता देती हूँ, ये कोरंगी नंबर 5 नंबर पे है और अलजदीद सुपर मार्केट है, बहुत ज़बरदस्त मार्केट है, यहाँ पे अच्छे प्राइस में काफ़ी, और यहाँ के लोगों के लिए जो रहते हैं यहाँ पे कोरंगी में रहते हैं इनके लिए ज़्यादा सहूलत है। मेरा घर थोड़ा दूर था पर मैंने सुना था यहाँ पे भी अच्छा डिस्काउंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिला यहाँ पे। रश होने की वजह से मैंने वीडियो वगैरह आप लोगों के लिए नहीं बनाई, इंशाल्लाह मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊँगी मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। और इतना अच्छा मार्ट है और अलजदीद की डिमांड है यहाँ पे, जैसे इम्तियाज़ और चेज़ब की, कफ़ाया की, मैंने अभी तक इम्तियाज़ नहीं गई हूँ और मैं सिर्फ कफ़ाया गई हूँ और एक दो शॉपिंग मॉल गई हूँ, वहाँ मैंने आपसे वीडियो वहाँ नहीं बनाई। वहाँ पे मैंने कहा इंशाल्लाह मैं आपसे भी शेयर करूँगी। कुछ शॉपिंग जो है वो मैंने सदर से ख़रीदी थी चीज़ें, उनको क्रॉकरी वगैरह और कुछ जो मसाले वगैरह मैंने अपने घर से कफ़ाया गई थी, तो मैंने अभी वीडियो जो अपलोड करी थी मैंने आपको तमाम चीज़ें एक एक करके नहीं बताई क्योंकि इतना ज़ाहिर पता है मैं इतनी थक गई थी और मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पे जो सब्ज़ी की और इन सब चीज़ों की सेल लगी है। और मंडे से इंशाल्लाह कफ़ाया में भी बहुत अच्छी सेल लगेगी, आपके घर के करीब अगर कफ़ाया पड़ता है कफ़ाया तो आप ज़रूर जाइए, अगर आपके घर के करीब अलजदीद पड़ता है तो वहाँ जाइए, इम्तियाज़ जाइए, सुपर मॉल जाइए, यहाँ काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, बाय वन गेट वन फ्री है यहाँ पे। और काफ़ी रश होने की वजह से मैं जो है ना, मुझे अफसोस इसलिए कि मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब के लिए कोई भी वीडियो नहीं बना सकी, मैं आपको तमाम चीज़ें एक एक करके दिखा रही हूँ, लास्ट में मैं आपको लिस्ट दिखा दूँगी, आपको खुद ही समझ आ जाएगी, इस तरह से वन बाय वन मैं बताऊँगी, आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं ख़ुद इतनी थकी हूँ, मैंने कहा मैं क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली को ना लिस्ट ही शो कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी है और कफ़ाया में मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी थी, मैं वो लिस्ट भी शो कर दूँगी। और बाकी जो मुझे आटा वगैरह चाहिए थे, ये चीज़ें चाहिए थी, कुछ मैंने अपने घर के करीब जो है मार्केट है वहाँ से मैंने ले लिया, यहाँ भी बहुत अच्छी चीज़ें वगैरह मिलती हैं, फ्रेश चीज़ें मिलती हैं, तो मैंने आटा चावल यहाँ से ले लिए। और शरबत की बोतलें वगैरह जो है वो मैंने वो लिए और कुछ मसाले वगैरह लिए यहाँ से जो मेरी ज़रूरत के थे। मसाले मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, क्योंकि मैंने मसाले वगैरह कुछ नहीं खरीदे थे, मसालों की ज़रूरत थी मुझे, और बच्चों के लिए कुछ आइटम वगैरह चाहिए थे। अभी तक तो सिर्फ मेरी यही शॉपिंग चल रही थी, ये हस्बैंड वगैरह पियेंगे और स्वीट वगैरह, क्योंकि मैं तो खा नहीं सकती, आपको पता है मैं डायबिटीज़ पेशेंट, मैं इससे तो प्रेस करती हूँ, मैं जब भी कोई रोज़े के टाइम ना मुझे कोई जूस वगैरह चाहिए होता है कुछ भी, तो ये मैं स्ट्रॉबेरी का जूस ले लेती हूँ और साथ में ना अगर वो नहीं पीती तो मैं नॉर्मल जो बादाम पिस्ते का दूध जो होता है वो करके लेती हूँ, और स्टीविया साथ में यूज़ करती हूँ। स्टीविया तो उन लोगों को भी यूज़ करना चाहिए रमज़ान मुबारक में, जो उनके हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा फैटी हैं उनको भी प्रॉब्लम है, तो वो इतना फैटी होने के बजाय इतना जूस, इतने तेल, इतनी रोकने की चीज़ें, तो आप तमाम चीज़ों के साथ सब्जियों का भी इस्तेमाल करें। और यहाँ मैंने ये जो लिए, मैंने कहा आपको मैं दिखा देती हूँ, ये मैंने पाउच लिया है सर्फ का, और अक्सर जो है ना या मैं एरियल इस्तेमाल करती हूँ या मैं ब्राइट इस्तेमाल करती हूँ, ये दो सर्फ हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, जो ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है वो एरियल लगता है, कपड़ों के हिसाब से अच्छी धुलाई है उसमें और ब्राइट भी बहुत अच्छा है। ये मैंने माचिस का एक बॉक्स ले लिया जबकि मेरे पास एक गैस लाइटर मौजूद था, वो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, इससे जो है ना चूल्हे के इर्द गिर्द है ना तीलियाँ वगैरह अक्सर जो होता है ना हाथ से इंसान छोड़ देता है, तो तीलियाँ वगैरह चूल्हे के इर्द गिर्द होती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं चले एक्स्ट्रा उठा के रख लेती हूँ क्योंकि कॉयल जलाने में ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि जो मेरा लाइटर है जो वो आसानी से ना इतनी आसानी से उसको आग नहीं लगती, तो मुझे ना इसलिए ये माचिस का बॉक्स लेना पड़ा क्योंकि कॉयल लेने में इतने मच्छर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं। और ये मैंने कॉयल लिया है, ये मुझे थोड़ा रिजनेबल प्राइस में मिला, अच्छे प्राइस में मिला, ये मैंने कॉयल ले लिया। कॉयल तो लेना बहुत ज़रूरी है, हालांकि इतना प्रॉब्लम करता है, बच्चों के लिए तो ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चों को ज़ाहिर बात है ये धुआं वगैरह इसको नुकसान देता है, तो फिर भी मैंने कॉयल लिया मैंने, क्योंकि कॉयल लगाते ही मैं ना रूम अपना बंद कर देती हूँ, उसके बाद जो है मैंने रूम खोल देती हूँ और कॉयल ऑफ़ कर देती हूँ मैं, और इस तरह से जो है ना वो कॉयल मुझे लगाना मेरी मजबूरी होता है क्योंकि नेट वगैरह मैंने ली थी, अक्सर जो नेट है ना इतनी प्रॉब्लम करता है कि लेट हूँ तो पूरा नेट है ना अक्सर ख़राब होते, मैंने नेट ली थी मच्छरों की वजह से बच्चों के लिए, पर वो नेट है ना ख़राब हो गई थी, फट गई थी, तो मैंने उसको वो छोड़ दिया। और मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि देखिए ये मैंने मैदा लिया है
और मैंने कफाये से भी लिया मैदा, दोनों के जो है ना कुछ 19-20 प्राइस मिला। ये बेसन लिया मैंने, बेसन की क्वालिटी भी अच्छी है और मैदे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, दोनों की कफाये की भी, इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। मगर मुझे कफाये में जो है ना, कफाये में प्राइस जो है ना मुझे इतने ज़्यादा कम नहीं लग रहे थे, मगर यहाँ जो है ना मुझे प्राइस जो कम लगे थे और अलजदीद में, और अच्छा शॉपिंग सेंटर है। अगर मैं आपको यही एडवाइस दूँगी कि आप जाइए और यहाँ से शॉपिंग कीजिए। सुपर, मैं अभी तक इम्तियाज़ नहीं गई हूँ, वहाँ पे मैंने सोचा है कि बहुत अच्छी बजट है और 1 buy 1 फ्री ऐसा कुछ मैंने सुना है। पर मैं इंशाल्लाह, अब तो रमज़ान करीब है, अब तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर रमज़ान में कुछ टाइम होता तो फिर मैं जाती, पर घर के काम में इतनी मसरूफियात में फिर टाइम का पता नहीं चलता, कोई ना कुछ रह जाता है। मैंने क्रॉकरी भी हालांकि अपनी कंप्लीट कर ली, कुछ ना कुछ मैंने सोचा कि मैं क्रॉकरी लूँगी तो मैं इंशाल्लाह अपनी फैमिली से भी शेयर करूँगी। ये टैंग लिया है, टैंग पीने से ये प्रॉब्लम होती है कि अक्सर जो है ना गला ख़राब होता है। मैं अली के बाबा तो शौक से पी लेते हैं, पर मैं जो है ना इन बच्चों को मैं टैंग नहीं देती। गला जो है ना आप 3-4 दिन अपने बच्चों को दें तो गला बहुत जल्दी टैंग से ख़राब हो जाता है, मैंने देखा है। और ये मैंने काले चने लिए, बहुत अच्छे काले चने और सफ़ेद चने दोनों लिए मैंने, के दोनों को उबाल लूँगी, दोनों को अच्छे चना चाट अच्छी बनेगी। आप ये देख लोगे मैं सामने आपको इनके प्राइस शो नहीं करी, मैंने कहा आपको मैं मेरी बात समझ नहीं आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको लिस्ट शो कर दूँगी थोड़ी देर में, दिखा दूँगी मैं आपको कि लिस्ट दिखाना ज़रूरी है कि आपको, ताकि अच्छी तरह से लिस्ट आप पढ़ लें क्या चीज़ मैंने कितनी मिली है, कफाये से भी मैंने क्या चीज़ परचेज़ करी थी और यहाँ से, और बाकी मैंने जो यहाँ से चीज़ें परचेज़ करी हैं खरीदी है मैंने, वो मैं आपको लिस्ट शो नहीं कर सकती। वहाँ लिस्ट ज़्यादा बताए जो आम शॉप होते हैं वहाँ से ज़्यादा बताए लिस्ट वगैरह बहुत कम मिलती है, तो वहाँ से मुझे लिस्ट मिली नहीं थी। बस एक दो चीज़ें मेडिसिन वगैरह की लिस्ट मुझे मिली थी मुझे, तो वो लिस्ट मैंने जो है ना पहाड़ के फेंक दी। मेडिसिन वगैरह मैंने ली थी वहाँ से, और मेडिसिन भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, मैंने वहाँ से ली थी मेडिसिन, कफाये से ली थी। कुकिंग ऑयल लिया है, और मुझे जो कुकिंग ऑयल अच्छा लगता है वो तलो अच्छा लगता है घी, और वो बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी होती है, सनफ्लावर बहुत अच्छा होता है, और बहुत सारे ऑयल हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर मैंने अभी तो ज़रूरत थी मुझे, मैंने यही ऑयल ले लिया। ये टपाल टी पैक लिया मैंने, और ये लिस्ट आपको नज़र आ रही है 1 by 1। आप तमाम चीज़ें गौर से देखिए क्या चीज़ कितने के लिए, इसी हो क्या, आप आराम से देखिए, नोट करिए कि इंशाल्लाह मेरा अगर इम्तियाज़ मॉल जाना हुआ तो इम्तियाज़ शॉपिंग सेंटर में वहाँ की वीडियो सब चीज़ के मैं आपको एक एक करके प्राइस बताऊँगी, वहाँ जाके मैं वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए स्पेशली। और अलजदीद सुपरमार्केट में जाइए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पर भी, अच्छा डिस्काउंट है, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा आपको, हर चीज़ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप जाइए अलजदीद सुपरमार्केट जाइए, बहुत ज़बरदस्त शॉपिंग मॉल है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर, और बस आप ये सोचेगा आप होगी असल बचत वाली शॉपिंग आपकी जो अब स्टार्ट होगी। मैं तो कहूँगी एक दफ़ा आप ज़रूर जाइए अलजदीद, बहुत अच्छा मार्ट है ये। और ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने, ये मेरी कंप्लीट ग्रॉसरी शॉपिंग है, रमज़ान ग्रॉसरी शॉपिंग है। और मैं आपको अब नेक्स्ट में दिखाऊँगी कुछ टूल्स हैं जो मैंने आपको नहीं दिखाए थे, जो मैंने आपको बताया था मैं कफाये गई हूँ कुछ चीज़ें, और ये टूल्स वो हैं, मुझे इनकी नीड थी और ये मैंने लिए थे बेकिंग के लिए, लिए थे मैंने, और इनके ये मेरे पास नहीं थे तो मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट लिए, क्योंकि कि क्रॉकरी वीडियो पे जो मैंने पिछली बनाई थी तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि आपने ना प्राइस नहीं बताया, तो मैंने इसलिए आपको लिस्ट शो कर दिया, और इसलिए मैं इस टूल के प्राइस में आपको शो कर रही हूँ कि टूल्स मैंने कितने कफाये में जो लिए मैंने कितने की, और बाकी चीज़ों की तो मैं आपको मैंने बता दिया था कि वहाँ पर सब्ज़ी की और इन चीज़ों की अभी तक सेल लगी थी, अभी तक जो बड़ा आइटम था उस पर सेल नहीं लगी थी, बचत पे जैसे ऑयल वगैरह इन सब चीज़ों पर। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।